नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। और इस सेशन में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसके साथ साथ दोस्तों बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आगे भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। तो स्वागत है आप सभी लोगों का, वेलकम करता हूँ। और हाँ, करा रहे हैं क्वेश्चन को, कराएंगे, जरूर कराएंगे, पैडागोगी भी कराएंगे, कंटेंट भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की, वेलकम आपके सामने हो चुका है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? लगातार वो प्रैक्टिस बनी हुई, जिस तरह के एग्जाम आपको मिल रहे हैं अभी सीटेट में, करंट में, इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको लेकर चल रहे हैं। द नंबर ऑफ डिग्री इन 3.5 राइट एंगल इज व्हाट? 315, 285, 295, 305। The number of degree in 3.5 right angle is what? 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, the number of degree in 3.5 right angle is what? 315, 285, 295, 305। तो देखिए सवाल कितना आसान था, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? तो आपने कहा 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या पूछी है आपसे, तो आपने कहा एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, तो तीन में कितने हो गए? आपने कहा 270, और उसने बोला 3.5, तो आधा समकोण किसके बराबर है? आपने कहा 45 के बराबर, जोड़ दें तो कितना मिला? 513। तो 315 एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। Which of the following is correct? तो आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। तो ये समझ लो पहले, पूर्ववर्ती और परवर्ती है क्या, इनको सक्सेसर और प्रीसेसर बोलते हैं, यानी प्रीवियस वैल्यू और सक्सेसिव वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू इनको बोला जाता है। अगर मैं 1000 के परवर्ती की बात करता हूं तो मैं लिख देता हूं परवर्ती, इनके नाम भी समझ लेना है क्या, परवर्ती और पूर्ववर्ती, इनके अलग नाम भी, परवर्ती को आप उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती को आप अनुवर्ती भी बोलते हैं, पूर्ववर्ती को आप प्रिसीजर भी बोल देते हैं और उत्तरवर्ती को आप सक्सेसर बोलते हैं। तो इनके नाम ही क्या है? अब ये सिंपल थ्योरी है, पूर्व मींस पहला और पर मींस बाद में, यानी पहला और बाद का। अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास लिखा है 5, तो 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा? उसमें से एक पहली संख्या कौन सी है? 4। और 5 का परवर्ती उत्तरवर्ती क्या होगा? 1 + 2 = 6। तो यानी पूर्ववर्ती पहली संख्या होती है, परवर्ती उसके बाद की संख्या होती है। तो पहला देखते हैं, 1000 का परवर्ती, 1000 का परवर्ती कितना हुआ? आपने कहा 1000, 1, और उसका पूर्ववर्ती उसमें से 1 कम कर दो तो 1000, यानी पहला स्टेटमेंट एकदम सही लिखा है, फर्स्ट इज ओके। दूसरे को देखो, 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती कितना है? आपने कहा 1000 का पूर्ववर्ती हो गया 1 कम कर दो 999, और उसका भी पूर्ववर्ती 1 और कम कर दो तो 998 होना चाहिए था, तो ये गलत लिखा है। ऐसे ही 1000 के पूर्ववर्ती का मतलब 999, परवर्ती 1 और जोड़ दो 1000 होना चाहिए, 1001 लिखा है, गलत है। कैसे हैं आयुष? और 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है, तो 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 नहीं होगा, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000 होगा, हमने अभी निकाला है। तो याद रहेगा ये पूर्ववर्ती और परवर्ती का चक्कर क्या है, यानी सक्सेसर और प्रीसेसर का मतलब क्या है। बहुत बढ़िया, एक और सवाल, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है? ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूं, हमेशा एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। संख्या 1000 के सभी गुणनखंडों का योगफल, द नंबर इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100, 223, 217, 115 एंड 216। द नंबर इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। तो ये मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, आपने कहा 100 लिखा है यहाँ पर, कैसे कर सकते हैं? 1 × 100 पहला फैक्टर, उसमें पूछ लेता है कि इन संख्याओं के गुणनखंड कितने हैं। सवाल ये भी आ जाता है, फाइंड आउट द फैक्टर्स कितने हैं, तो आपने कहा 1 × 1000 है, 2 × 50 भी है, 4 × 25 भी है, और 5 × 20 भी है, और 10 × 10 भी है। ये तो इसके फैक्टर्स हैं, सबको जोड़े तो कितना आएगा? आपने कहा 1 + 2 5, भाई 5 × 4 = 9, 1 × 10 = 12, 10 = 22,
22 और 20 42, 42 और 225, 42 और 175 जोड़ दो तो 7, 7 चार 11 और 1 और 1 2, 217। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? आपने कहा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 दो बार आया लेकिन फैक्टर तो एक ही है ना, तो कितने हुए टोटल 9 फैक्टर हैं, उनका सम ये रहा 217। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल, बहुत सिंपल सवाल है। कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम और 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? सम मैंगोज वेट 2 kg 600 ग्राम्स एंड सम एप्पल्स वेट 1 kg एंड 450 ग्राम्स। मैंगोज व्हाट इज द वेट द एप्पल मोर देन द वेट ऑफ एप्पल्स। तो बहुत सिंपल से सवाल है कि भाई, ये तो बच्चों का सवाल है कि भाई उसने कहा 2 किलोग्राम और 600 ग्राम तो हो गया आम का, सेब का हो गया 1 450, तो हम लोग घटा दें तो 150 और 1, तो 1 किलो 150 ग्राम। एकदम सही। आप तो काफी तेजी से आप सवाल करते जा रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। एक और, यदि राम की आय शाम की आय से 60% अधिक हो तो शाम की मासिक आय राम से कितनी कम होगी? यदि राम की मासिक आय शाम से 60% अधिक हो तो शाम की मासिक आय राम से कितनी कम होगी? इफ राम्स मंथली इनकम इज 60% मोर देन शाम्स, देन हाउ मच शाम्स मंथली इनकम विल बी लेस देन राम्स। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एबीसीडी, राम की मासिक आय शाम से 60% अधिक है तो शाम की मासिक आय राम से कितनी कम? देखो, सवाल करने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको एडवांस में बताता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने कहा 60% अधिक है तो 60% का फ्रैक्शन मान लो, फ्रैक्शन कितना होगा 60% का? 60/100, ये हो गया 2/5। 20 से काट दें, 20 + 7 = 20 बन जैसे, तो उसका फ्रैक्शन 2/5 है। तो जो उसने बोला ना 2/5, उसने बोला अधिक है, तो अधिक के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में जोड़ दो। कम बोलता तो कम कर देते, घटा देते, तो कितना 2/7। अब 2/7 कम हो गई, 100 की मल्टीप्लाई कर दो परसेंट बदलने के लिए, तो कितना हुआ 200/7। 7 का डिवाइड कर दो, 7 × 2 = 14। कोई दिक्कत हो तो बता देना भैया, दैट इज बी, ओ माफ करना मैंने गलत कर दिया, इट्स 3, 20 + 7 3 है भैया, 3 है ये, 8, अब सही है, तो 200/8 और ये 300/8, तो बस अब कर लो डिवाइड, हाँ ऐसे कर लो, तो कितना हुआ 8 से काट दो, 8 × 24 बचे 6 और 8 × 7 = 56 बचे 4/2, तो 37 सही, 4/8 यानी 1/2, दैट इज द राइट आंसर। हाँ 37 से 1/2, फिर समझ लो, एक बार बता देता हूँ क्योंकि मैंने वहां 2 लिख दिया था। देखो 60% का फ्रैक्शन आपने कन्वर्ट किया तो 60% का फ्रैक्शन क्या बनता है, 0 से 0 कट गया, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 3/5 उसका फ्रैक्शन है, तो उसने बोला 3/5, उसने बोला अधिक है, तो बस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली में ऐड करना है आपको, 3 × 5 + 3 = 3/8, ये कम हो गई परसेंटेज बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, या अगर वो कम बोलता कि कम है तो क्या करते आप नीचे वाले से इसको लेस कर देते, दैट्स इट, क्लियर है? अगर वो कम बोलता तो क्या करते नीचे वाली वैल्यू से, फॉर एग्जाम्पल वो बोलता कम है तो क्या करते, 3/5 था ना, तो क्या कर देते 3/5 - 3, दैट इज 3/2 हो जाती, जब 150% आ जाता, अधिक हो जाता तो, क्लियर है? तो ऐसे सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। जैसे मैंने एक सवाल और दिया आपसे, उसने बोला राम की सैलरी शाम की सैलरी से 25% अधिक है तो वो कितनी कम होगी, शाम की मासिक आय राम से कितनी कम होगी, तो आपने कहा 25% को बोला तो 25/100 बराबर 1/4, उसने बोला अधिक है तो नीचे वाले में जोड़ दिया तो 1/5 बन गया, 1/5 क्या होता है 20% होता, तो राइट ऑप्शन 20% हो जाता, क्लियर है? अगर वो बोलता ऐसे कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा एक को ले लेते हैं, वो बोलता 20% अधिक है तो क्या करते, तो 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, अब 1/5 हो गया, उसने बोला अधिक है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दो तो 1/6 × 100 तो 100/6 यानी 16 = 96
सही 2/3% कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आप इस तरह से इनको चुटकियों में कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, 2424 में दो के स्थानीय मानों का योगफल बताओ कितना है। ये बड़ा ही आसान सवाल, स्थानीय मान का सवाल बड़ा आसान। लेट्स अंडरस्टैंड, पांच का देखो बहुत सिंपल थ्योरी। इस सवाल को कैसे करते हैं, या तो आप ऐसे कर लो, दो चार दो चार, यहां पर देखें तो उसने पूछा सिर्फ दो का स्थानीय मान, तो उसका तो निकालना नहीं है। इसका कितना हो गया, 2×10=20। इसका कुछ निकालना नहीं है, इसका देखें तो कितना हो जाएगा, 2×1000, ये हो गया 2000, दोनों को जोड़ दिया, 2020 इज द राइट आंसर, है ना। और इसको और तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर मैं आपको उसका शॉर्टकट बताऊं तो आपको करना क्या है, 2424 यहां पर लिखा है, तो आपको जिसका स्थानीय मान निकालना ना, बस उसी का वैल्यू पुट करो, जिसका स्थानीय मान निकालना है सिर्फ उसका। जैसे आपको दो का निकालना है तो दो को रखो, बाकी सबको जीरो कर दो, दैट इज द राइट आंसर। जिसका स्थानीय मान पूछा उसको रोको, बाकी सबको जीरो कर दो, यू विल गेट द आंसर। एडवांस में इतनी जल्दी अभी आने दो। एक और संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या है, द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हाइल 90707 इज डिवाइड बाय 9। तो देखते हैं अब इसको कैसे करें, भाई सिंपल थ्योरी, ऐसे करोगे 90707 आपने 9 से डिवाइड किया, 9 × 1=9, उतारा 0 ना जाने का 0, आपने 7 उतारा फिर भी ना जाने का 0, 70, 9 × 7 = 63, 77 हो गया, 9 × 8 = 72, 1 बच गया। ये तो था बेसिक तरीका, आप सोचिए सर कुछ एडवांस भी बता दो। हाँ जी भाई, आपने कहा ये तो ऐसे बेसिक से किया हमने, अगर मैं इसको बेसिक से गलत भी हो, जैसे मैंने भी किया कि 90707 में आपको 9 से डिवाइड करना था, अगर आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई करते हैं, अगर आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाती है, तो 9, 7, 16 और 7 कितने होते हैं, 23, 23 में 9 का भाग कर दो, कितना, 9×18 5 6, तो राइट ऑप्शन इज 5। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने से आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा प्रोसेस बना सकते हैं अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है। इफ यू नो डिविजिबिलिटी रूल यू कैन इजीली अप्लाई दीज थिंग्स, अदरवाइज आपके पास रामबाण तरीका है, 9×9 यहाँ 0, 7, 0 और आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो राइट ऑप्शन इज 5। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा इस वाले को नहीं, जब भी आप 9 का पूछे 3 का पूछे तो आप क्या करेंगे, आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 5। एक और सवाल, गुणनफल 140×101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो जाए, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट 140×101 सो दैट यू विल गेट 14,414। तो देखो अब इसमें इसकी गुणा करो, तो गुणा करने के लिए मैंने तरीका कल वाली क्लास में भी बताया था आपको, प्रीवियस क्लास में, कि भाई आप इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, जैसे आपने कहा 140 में 101 की गुणा करें, तो मैं इसको 100+1 लिख देता हूं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कितना हो गया, 140 आ गया, 2 0 और 140 और जोड़ दिया इसने, तो 14140 ये टोटल आ गया। तो आप कितना करना है, आपने कहा 14 हटा दो, तो 4 यहां बच गया, 11 में से 4 गए 7, 3 में से गया 2 274, राइट ऑप्शन डी। क्लियर है, तो आप इसको गुणा करोगे तो मुश्किल आएगा, अगर आप इसको ऐसे गुणा करोगे कि भाई 140 में 101 की गुणा करो, इट विल टेक टू मच टाइम, तो इसमें टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है आपको, क्या करना है, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर इजीली, है ना। तो 274 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखते हैं, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए, यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, चेक द फॉलोइंग पैटर्न मेड ऑफ मैच स्टिक्स, इफ द पैटर्न कंटिन्यूस हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेप। तो 15वें स्टेप में कौन सी संख्या होगी, तो इस सवाल को करने के लिए दो तरीके आपके पास, एक बेसिक और एक बिल्कुल जनरल जो बुक्स में होता है, मैं दोनों बता देता हूं।
अगर आप बात करते हैं, उसने बोला पहली तीली में कितने चरण लगे, पहले चरण में कितनी तीली लगी, एक दो तीन चार पांच, दो चार छ, तो छह तीलियां लगी। दूसरे में कितनी लगी, आपने कहा 10, तीसरे में कितनी लगी, 14, ऐसी अप टू चलता चला जाएगा, है ना। तो यानी अगर मैं आपसे बात करूं, अगर उसने बोला 15वें चरण में, तो ये क्या है, T1 है, T2 है, T3 है, तो वो T15 में पूछ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, TN = A+N-1 × D, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो T15 आपको निकालना है, तो क्या हुआ, ए मीन्स पहला पद 6, एन मीन्स कितना 15, और डी कितना, इनके बीच का डिफरेंस, इसको बोलते हैं सारवंतर, कॉमन डिफरेंस 4। तो 6 + 14 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 14 2 के 56 और 6 62, राइट ऑप्शन 62। ये तो था हमारा एपी से। अगर आप इसको विदाउट एपी करना चाहते तो भी हो सकता है। कैसे, आपने कहा भाई पहले चरण में 6 तीलियां हैं, दूसरे चरण में 4 तीलियां और ऐड हो गई तो ये 10 बन गई, तीसरे चरण में फिर 4 तीलियां ऐड हो गई, तो यानी हर चरण में 4 तीलियां ऐड होती जा रही है। उसने बोला 15वें चरण में कितनी होंगी, तो भाई अगर मैं इस चरण को हटा दूं, बाकी सब चरण में 4 4 तीलियां एक्स्ट्रा होती जा रही है। पहले चरण में कितनी थी, 6 थी, तो अगर मैं कहूं कि भाई इसको ऐसे कर लूं, तो 14 स्टेप बचे और एक स्टेप में 4 तीलियां जुड़ती जा रही है, तो 56 तीलियां तो ये हो गई और 6 पहले स्टेप की हो गई। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, आप चाहे इसको एपी से करें, चाहे आप इसको डायरेक्टली कर लें, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। एनी इशू, मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगा, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड टू दिस क्वेश्चन, करेक्ट, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, ओके डन। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। √72 + √72 + √72 का मान क्या है, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ 72 + 72 + 72 अप टू सो ऑन, इसका मान क्या है, 18, 12, 9 और 8। तो देखो ऐसे सवालों को भी मैं आपको बता देता हूं, इनको भी आप बेसिक से कर सकते हैं, हालांकि इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं, लेकिन पहले बता दूं, हमने माना कि ये कब के लिए, जब वो ट्रिक काम ना करे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ट्रिक काम ना करे तो क्या करें, हालांकि इस क्वेश्चन को पहले ट्रिक से बता देते हैं। देखो 72 72 72 हुआ क्या, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप ये देखो कि जो वैल्यू है, क्या उसके कोई दो कॉन्जुगेटिव मल्टीपल हैं, तो कॉन्जुगेटिव फैक्टर हैं जो लगातार हो, आपने कहा बिल्कुल है, तो आपने कहा 72 के फैक्टर होते हैं, 8 × 9, 8 × 9 = 72। तो अगर वो ऐसे दो लगातार आपको अंक मिल रहे हैं जिनके मल्टीप्लीकेशन इस वैल्यू के बराबर है, तो उसमें से बड़ा वैल्यू जो होगा वही इसका आंसर, जैसे आपने लिखा 72, दैट इज 9। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे होता, √72 − √72 − √72, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब भी यही देखेंगे 8 × 9। अगर वो नेगेटिव निशान बीच में दिया है तो छोटा वाला वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन तब क्या, अगर इस सवाल में ये वैल्यू ऐसी ना हो, अभी तो आपको मिल गया, अगर आपको दो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ना मिले तो क्या करोगे, तो हम उसका तरीका बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको लगातार दो वैल्यू नहीं मिलती है, जैसे 9 और 72 मिला, नहीं मिला तो क्या करोगे, तो हम इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। हमने माना कि x = ये वैल्यू आपके सामने लिखी है, 72 + 72 + 72 अप टू सो, तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये x² और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या बचा, 72 + √72 + √72 + √72, ये आराम चलता रहेगा ना आगे तक, क्योंकि अनंत तक है, तो इसका वैल्यू तो अपने अभी निकाला था, दैट इज एक्स, तो इसको पुट कर दें, तो x² = 72 + x, बस इसको सॉल्व कर लो, x² − x − 72 अब बराबर 0, और फैक्टर कर दो इसके। अगर आपको ऐसी वैल्यू मिले जो लगातार ना हो, तो आप इस वाले मेथड को अपना सकते हैं, तो 72 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 72, तो x² − 9x − 8x + 8x − 72 ऐसे हो गया। अब अपने क्या काम, x यहाँ से कॉमन निकाला, 9 + 72 होते हैं ना, और 9 में से हट जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो
एक्स माइनस का नाइन, प्लस का एट बाहर निकला तो एक्स माइनस का नाइन, तो एक्स माइनस का नाइन और एक्स प्लस का एट, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू नाइन, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि नंबर नेगेटिव नहीं है। इज इट क्लियर? तो अगर आपको ये कॉन्जुकेटिव लगातार नहीं मिलते हैं नंबर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रूट 16 की, यहाँ की रूट 15 होता, तब इस सवाल को आप नहीं कर पाते, तब ये ट्रिक नहीं लगती। ये सब कब लगेंगी? जब दो लगातार नंबर होंगे मल्टीपल, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी। मैंने डिटेल में आपको बता दिया क्या करना है। एक और सवाल, एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलोग्राम ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर देती है, इस प्रकार वह क्या कमाती है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बड़ा सिंपल सवाल है, एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, 1/3 रह जाता है। अब सुनीता ने 500 किलोग्राम ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी, तो 1500 किलोग्राम मछली उसने 25 रुपए के भाव से खरीदी, तो कितने रुपए की हो गई? 0 0 15 5 75, 15 × 1500 2500 रुपए की वो मछली खरीद के लाई, कॉस्ट प्राइस हो गया। उसने कहा उसको सुखा कर बेचा, अब सुखा कर बेचते हो तो 1500 किलोग्राम मछली को अगर सुखा हो गई तो सूखने पर वो 1/3 रह जाती, तो उनका वेट 500 किलोग्राम है, और सूखी मछली को वो 800 प्रति किलो के हिसाब से बेचती है, 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, तो 8×5 = 4 कितना हो गया? आपने कहा 0 0 8×5 = 40। अब क्या करें, 40,000 रुपए की मछली उसने बेची, खरीदी 37,500 की, तो 40,000 रुपए की मछली बेच दी, 37,500 रुपए की मछली खरीद के लाई थी, तो कितना हुआ? आपने कहा सर 2500 रुपए बच गए उसको, राइट ऑप्शन 2500। इसको कर लीजिएगा, मैंने 15 की मल्टीप्लाई कर दी घर से, तो 25 25 125 25 125 12 37, तो 37,500 का तो कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितने का था? आपने कहा 40,000 का, तो लाभ कितना कमाया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देन यू विल गेट 2500। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। एक और सवाल देखते हैं तेजी से। चलो, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6,240 घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? The internal length, width and height of a rectangular box are 10 cm, 8 cm and 6 cm respectively. How many boxes are required to pack 6,240 cubes with 1 cm arm? देखते हैं जवाब। सिंपल सवाल है, एक आयताकार बॉक्स की आपको लंबाई ऊंचाई, ऐसा सवाल अभी आज पेपर में आया है, कल वाले पेपर में इस तरह का सवाल आया था, ऐसा कोलेट करने वाला, तो आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 10, 8 और 6 है, तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ? 10 × 8। उसने बोला इसमें 6,240 क्यूब्स पर रखना है, तो पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो उसमें एक बक्से का वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, क्योंकि सब 1 सेंटीमीटर के, 0 से 0 कट गया, 6 × 6 = 24 और 8 से काटे 13 × 8 = 104। राइट ऑप्शन 13 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? यू नीड 13 ऐसे बॉक्स होंगे जिनमें 6,240 घनों को पैक किया जा सकता है। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? आई थिंक नो इशू इज देयर। एक और सवाल फिर स्क्रीन पर। एक शिक्षक कक्षा से एक रेक्टेंगल पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? एक शिक्षक ने, एक टीचर आस्क द क्लास टू रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट। तो ये चार प्रेजेंटेशन दी हुई है, आपको बताएं इनमें से कौन सी रिप्रेजेंटेशन गलत है जो 1/8 को डिनोट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं तेजी से, क्या मिलेगा जवाब आपकी तरफ से, और यहाँ पर ऑप्शन के जवाब धीरे धीरे आने लगे हैं। देखो, अगर आप बोलते हैं 1/8 का निरूपण करो, 1/8 को रिप्रेजेंट करो, तो 1/8 का मीनिंग होता है, अगर आप 1/8 की बात करते हैं तो 1/8 का जो मीनिंग होता है वो होता है कि इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर,
और इसकी एक क्वालिटी है, इसको बोलते हैं डीआर, इसको बोलते हैं एनआर। इसकी एक क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है कि आप जब भी हर की बात करेंगे तो हमेशा जो डीआर होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज है जिसको आपने 8 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ा है, असल में आ रही है। अगर वो 1/8 लिखता मतलब क्या है, किसी वस्तु के आपने 8 बराबर भाग के उनमें से एक को आपने चूज कर लिया है। तो ये जो 8 रिप्रेजेंट करता है, जो डीआर होता है वो इक्वल पार्ट्स को डिनोट करता है। तो भाई इसमें देखो सारे पार्ट इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, लेकिन इसमें देखो इसमें इक्वल नहीं है, ये बहुत छोटा सा है, ये बड़ा सा है ना, तो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन गलत है, ए इज द गलत रॉन्ग आंसर। बहुत बढ़िया से आपने जवाब दिया, खूबसूरती से आप लोग जवाब दे रहे हैं। एक और निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नंबर अंडरस्टैंडिंग, अलाइनमेंट, इन्यूमरेशन, राइट डिजिट और प्रोटेक्शन, यानी इसको कंजर्वेशन भी बोल देते हैं। इनमें से कौन सा संख्या की समझ, यानी जब संख्या को समझ जाते हैं इनमें से कौन सा उसके लिए यूजफुल नहीं है। आप सभी जानते हैं जब संख्या को समझाते हैं तो अंकों की गणना करना, अंकों को लिखना या उनको अरेंज करना, पंक्तिबद्ध करना, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन कंजर्वेशन हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस सवाल को हल करने के लिए संरक्षित संरक्षित किए गए हैं। तो संरक्षण जो है वो संख्या की समझ का पहलू में नहीं आता, वो उसकी बात आता है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। तेजी से आज आपके जवाब मिल रहे हैं मुझे। एक और, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन की शीर्षक है, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत या आंशिक रूप से सही पूर्णतः सही सवाल को। तो इनमें से योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थी की दक्षता का आकलन करने के लिए क्या आप शीर्षक टाइटल्स देंगे, क्या बात है। आप सब कह रहे हैं सर ए होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। सवाल का बोधन ही बच्चे को सवाल की नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वह उस पर जो कैलकुलेशन करनी है एग्जीक्यूट करना वो पता हो, समस्या का गणित करना में निरूपण और सवाल का समाधान और प्रश्न वो सब चीज जानता है। ऑप्शन इसमें एक और, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश क्या होंगे, एट क्लास 4 will contain assessment instructions for geometric text on points and line. परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतर बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है, रेखाकरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है, रेखा और रेखाखंड के में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है, सेंटीमीटर इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। और राइट ऑप्शन 16 का क्या मिलेगा, देखते हैं जवाब की तरफ बढ़ता हुआ, और उम्मीद है कि जवाब में कोई भी गड़बड़बाजी नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी, ए ऑप्शन सबसे ज्यादा मिल रहा है और यहाँ पर बी ऑप्शन भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है। सवाल को समझो, कक्षा 4 का बच्चा है, स्टूडेंट इज क्लास 4, क्लास 4 के बच्चे की बात हो रही है, तो क्लास 4 के बच्चे को ज्यामिति का पाठ पढ़ाने के लिए राम विनय आयुष ओके। तो देखो कक्षा 4 का बच्चा जब ज्योमेट्री की पढ़ाई शुरू करता है तो ज्योमेट्री की पढ़ाई शुरू करते समय याद रखिएगा कक्षा 4 में सिर्फ बच्चे को रेखा किरण और रेखाखंड को ही पढ़ाया जाता है, बिंदु रेखा किरण रेखाखंड वो क्या है उनके बारे में वो उनको परिभाषित कर सकता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके तो ये क्या है, इसका सवाल जय सर जवाब था बी। अब देखो कक्षा 4 में बच्चा पहली बात तो परिशुद्ध रूप से माप ही नहीं सकता, यानी एक्यूरेटली वो रेखाखंड को नहीं माप सकता क्योंकि उसे मापना सिखाया नहीं गया है, उसके सिलेबस में ही नहीं है, उसके सिलेबस में तो कक्षा 4 सिर्फ रेखाकरण रेखाखंड को जानना वो क्या होते हैं, उनको मापना, उनमें अंतर करना, चिन्हित करना, बिंदु चिन्हित करना, लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींचना नहीं है, तो हाउ इट इज पॉसिबल, तो ये गलत है।
ठीक है, परिशुद्ध रूप से तो माप ही नहीं सकता क्योंकि मापन तो सिखाया नहीं जा रहा है कक्षा चार में। मैंने पहले आपको हिंट दिया था कि कक्षा का जरूर ध्यान रखें, कक्षा कौन सी है। कक्षा पांच की बात करते तो मैं इस ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मानता, कक्षा पांच में ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होता क्योंकि कक्षा पांच में बच्चों को मापन सिखा दिया जाता है, ठीक है ना। कक्षा चार में नहीं सिखाया जाता, कक्षा चार में ऑप्शन नंबर तीन क्लास के अकॉर्डिंग ठीक होगा। राइट ऑप्शन है बी, नॉट सी। ओके, तो वो रेखा किरण और रेखाखंड में सिर्फ अंतर स्थापित कर सकता है, उन्हें एक्सप्लेन कर सकता है, परिभाषित कर सकता है। एक और, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। आप बच्चे को दो दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना को पढ़ा रहे हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। तो यहां पर मिल रहा है मोती की माला, ओ माय गॉड, 17 का बी 17 का सी। देखो जियो बोर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया, जियो बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसमें ज्यामिति आकृतियों को सिखाया जाता है। तो ज्यामिति आकृतियों से दशमलव का कोई मतलब नहीं है। मोती की जो माला होती है उसमें मोती होते हैं, पर्ल्स होते हैं, और उन पर्ल्स को आप इवन ऑड का कॉन्सेप्ट काउंटिंग गिनने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें भी इसका दशमलव का नहीं है। अबकस में आप संख्याओं को जोड़ना घटाना और स्थानिमान की संकल्पना की बात करते हैं, तो गिनतारा अबकस जो होता है उसमें भी नहीं हो सकता। तो एक बचा ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में आप बच्चे को दो दशमलव बिंदुओं की संकल्पना, दो दशमलव संख्याओं का योग गुणन, इन सबको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते। जैसे आपने देखा होगा बचपन में, आपने ग्राफ पेपर बनाया होगा ना, कि मास्टर बोलते थे माना एक खाना यानी एक ब्लॉक बराबर 0.1 सेंटीमीटर, तो आप ब्लॉक की हेल्प से कर सकते थे। राइट ऑप्शन है, ये सब मैं आप तो बहुत पढ़ चुके हैं आयुष, डोंट वरी, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, चिंता ना करें, यू विल बी रॉक, डोंट वरी, आपको जो पेपर मिलेगा वो सब पढ़ चुके हैं। एक और सवाल, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल। कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक्ड टू हायर क्लास, कॉन्सेप्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन कंप्लीट हायरार्की, एंड कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन टेंजिबल फॉर्म। डी, कौन सी सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है बुक की। और आपने एकदम सही जवाब देने की कोशिश की, एकदम सही बात भी है कि संकल्पनाओं को उच्च कक्षाओं से नहीं जोड़ना चाहिए, तो मैं आपको पहले ही मना करता हूं कि एनसीएफ बिल्कुल खिलाफ इस बात के कि आप समस्याओं को उच्चतर शिक्षा से जोड़ें, जिस क्लास की प्रॉब्लम से उसी क्लास तक सीमित रखें। संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित कीजिए, गलत। समस्याओं को आप जटिल से नहीं, पहले मुश्किल फिर आसान पढ़ाओगे, गलत लिखा है ना। कैसे होनी चाहिए, हमेशा सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतः, देखो आप श्रेणीबद्ध रूप से प्रस्तुत कर सकते हो लेकिन पूर्णतः श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते, कि भाई अगर मैं रेशो पढ़ा रहा हूं तो रेशो के चैप्टर में ही रेशो होगा, एज संबंधी समस्या में रेशो का यूज नहीं होगा, प्रतिशत में रेशो नहीं आएगा, तो ये तो गलत है ना, इसको भी गलत करना चाहिए हमें। तो राइट के ऑप्शन क्या है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। और यही गणित कहता है कि पहले बच्चों को मूर्त चीजों की सहायता से समझाया जाए, उसके बाद अमूर्त संकल्पना को समझाया जाए, और धीरे धीरे मूर्त संकल्पनाओं को हटा करके अमूर्त चिंतन की स्थापना की जाए, और यही सबसे अच्छी फीचर होनी चाहिए बुक की। बहुत बढ़िया। एक और, निम्नलिखित बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित एरे आरेख हैं। आपको बताना है इनमें से बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित एरे कौन से हैं। 15 अथवा किसी अन्य संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त तरीकों को संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचय विकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, क्षेत्रफल की संचय विकृति, गुणन की संचय विकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, आयत का क्षेत्र। दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने
गुणन की संचय विकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते आयत का क्षेत्रफल। और क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पर आपको डी दिख रहा है, इसलिए आप शायद मुझे डी लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो डी ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डी इज नॉट द राइट आंसर, इसका जवाब डी नहीं होगा, डी इज रॉन्ग आंसर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर। गुड इवनिंग आकांक्षा, कैसी है? अब डी क्यों नहीं होगा? अब देखो ये बिंदिया का प्रयोग किया जा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं आप बिंदी की काउंटिंग तो कर सकते हैं, देखो एक दो तीन चार पांच गुना तीन, इस वाले में क्या देखा आपने कहा पांच गुना तीन, इसमें 15 बिंदियां हैं, इसमें देखें आपने कहा 3 गुना 5, इसमें भी 15 बिंदियां हैं, इसमें आपने देखा 1 गुना 15 या 15 गुना 1, यही है ना। तो ये सब क्या है, ये गुणन प्रकृति, संचय प्रकृति है, अस्मिता है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं पता है। लेकिन आपसे नंबर ऑफ डॉट्स जो बिंदी है उन सबकी सिर्फ काउंटिंग याद कर सकते हो, एरिया नहीं निकाल सकते। एरिया कैसे निकाल सकते दिखाता हूं, एक मिनट रुकिएगा। देखो आपके सामने बिंदी दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, जब आपने बिंदी देखी तो आप क्या देख पा रहे हैं यहां पर, ये बिंदियों के बीच में स्पेस भी तो है, इन बिंदियों के बीच में स्पेस भी तो है। अब स्पेस कहां छोड़ोगे? अगर ये ग्रिड पेपर होता या ये इकाई दर गणन होता तो मैं मान लेता एकदम सही है भाई, इस स्पेस में आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें तो आपने देखा कि सर इसमें तो स्पेस भी है, आप बिंदियों की काउंटिंग कर सकते हैं, एरिया नहीं निकाल सकते इससे। बात समझ रहे हो ना? अभी दिख गया क्लियर? दिखाता हूं कैसे। अगर ये सवाल ऐसे होता, अगर मैं इसको बताऊं, अगर ये ऐसे होता कि भाई एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन, अब हो सकता था एरिया, क्योंकि ये वर्गगणन पूरे आयत को कवर कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या था, आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते इससे, क्षेत्रफल को छोड़कर सब कुछ निकाल लोगे। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर मैं लिख देता हूं ए, अभी सबके डाउट दूर हो जाएंगे। क्षेत्रफल नहीं हो सकता, तीन ऑप्शन में आपको एरिया दिया हुआ है, तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एरिया विद द हेल्प ऑफ द डॉट्स। क्लियर है बॉस? बढ़िया, एक और सवाल लेते हैं फिर आपके सामने। भिन्नों के योग को पढ़ाते समय नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षक के रूप में क्या कार्य करना चाहिए, या उपचारात्मक कार्य के रूप में उसे क्या काम करना चाहिए आपको बताना है। देखता हूं जवाब क्या मिलेगा। यस, और जवाब मिलने की चांसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, होले होले बढ़ रहे हैं। ओके, हाँ तो यही तो बताया मैंने 20 का। अब देख लेते हैं, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें, लघुत्तम समावर्ती की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करें, बच्चे से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे बच्ची बड़ी होगी खुद समझ जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, एकदम सही जवाब बी, करेक्ट है आपका बी। देखिए अगर आप टीचर प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझाने बच्चे की सहायता करेगा तो बच्चा क्या सीखेगा? टीचर कुछ एग्जाम्पल दे सकता है, कुछ चीजें सॉल्व कर सकता है, लेकिन बाकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों को करनी पड़ती है। अगर बच्चा हर सवाल में गलती करेगा और हर बच्चे को वो सवाल टीचर के द्वारा समझाया जाएगा तो बच्चा कभी भी लर्न नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए बच्चे ने गलती कहा की है, उन्हें सीधा जोड़ दिया 3 और 2 = 5, 1 और 1 = 2, जो एलसीएम के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, क्योंकि असमान भिन्नों की संकल्पना में आप हमेशा एलसीएम की संकल्पना का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन था बी। एक और सवाल है जी, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अगर मैं बात करूं डायग्नोस्टिक टेस्ट, द एम ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स, प्रगति पत्रक को भरना यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट को फिल करना, सत्रार्थ परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावक को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। द एम ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज प्रोग्रेस शीट फिलिंग, प्लानिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन, नोइंग द वैकेंसीज इनहेरेंट इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, गिविंग फीडबैक टू पेरेंट। इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट का नहीं है? और आपके जवाब मुझे सिंह मिलने लगे हैं, उद्देश्य है और कौन सा नहीं। देखो
मुख्य उद्देश्य, हालांकि इसमें जो उद्देश्य दिए हैं ना, बिल्कुल सही दिया आपने ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ये उद्देश्य कौन से नहीं है, प्रोग्रेस रिपोर्ट को भरना काम नहीं है, परीक्षाओं के लिए योजना बनाना, 17 अंक की परीक्षाओं की योजना निदान में नहीं बनती है, वो ऐसे में बनती है। और डायग्नोस का मतलब क्या होता है, बच्चे के अंदर होने वाली कमी, बच्चे को होने वाली समस्याएं, उनकी परेशानी, समस्या का स्तर, समस्या का प्रकृति, इन सबको जानना, पहचानना, ढूंढना, स्वरूप निर्धारण करना, ये सब किस में आता है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में आता है। वहीं उस स्वरूप के आधार पर जो आपने ढूंढा है उसके आधार उसका इलाज करना, उपचार करना, हल करना, सोलह समाधान समाधान करना, वो सब किस में आता है, वो सब आता है रेमेडियल टीचिंग में। हालांकि अभिभावकों को पूछते पूछते फीडबैक देना भी इसी का पार्ट है, लेकिन हमें क्या देना है, जो सबसे बेस्ट है। एमपीटेट के लिए तो हो चुका है, यहीं से स्टार्ट कर देंगे दोबारा से। तो अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना वो भी निदान का पार्ट होता है, उद्देश्य होता है, लेकिन हमें एक आंसर देना। तो जो बेसिक थिंग है वो क्या है कि बच्चों में होने वाली कमियों को जानना सबसे मेन उद्देश्य उसका है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। एक और सवाल है जी, कक्षा एक के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के लिए किस सिद्धांत पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकाकी संगतता का सिद्धांत या अमूर्त सिद्धांत। उम्र तो को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड असंगत को बोलते हैं इनहोमोजेनियस, संगत को बोलते हैं होमोजेनियस, इनहोमोजेनियस प्रिंसिपल या कांस्टेंट स्टेडी अरेंजमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और यूनिटरी प्रिंसिपल, यूनिटरी होमोजेनियस प्रिंसिपल और ओनली एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी। तो यहां पर मुझे ए ऑप्शन मिला है भीबा का सबसे पहले, देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बी, देखिए इससे बच्चे को सामना करना पड़ रहा है अमूर्तन और असंगत क्रम का सिद्धांत, क्योंकि उसने एक साथ नहीं गिना, उसने संगतता से गिना कि पहले 2 पेन लगाए, फिर 5 पेन रबड़ गिने, फिर 3, तो वो संगतता कर रहा है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये तो वो कर रहा है स्थिर क्रम और अमूर्त सिद्धांत, उसने बोले कठिनाई का सामना कहाँ करना पड़ रहा है, यानी वो इस वाले लेवल को नहीं कर पा रहा, वो असंगत रूप से यानी इन होमोजीनियस एनवायरमेंट में या हेटरोजीनियस एनवायरमेंट में चीजों को नहीं अरेंज कर पा रहा है, वो ऐसे नहीं कर पा रहा कि 10 पेन है, पेन कहीं पड़ा रबड़ कहाँ, वो पहले उनको अरेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कौन से को पहले रखे। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर एक, उसे ये तो वो कर रहा है स्थिर क्रम, 5 पेन 2 पेन 5 रबड़ 3 शार्पनर, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत में। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। एक और सवाल, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम, 2/3 + 2/5 = 4/3। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, एक समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों को हल कराना, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग के सवालों का अभ्यास कराना, हर के लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को स्पष्ट करना चाहिए। तो सवाल पहले देख लो उसने कैसे जोड़ा है और उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ए ऑप्शन मिल रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर 23 का, चाहूंगा आपका जवाब मिले 23 का क्या देंगे आंसर, लेट्स सी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या होगा आपका जवाब समझते हैं साथ, उम्मीद करता हूं जल्दी से आपके जवाब मुझे मिल जाएंगे। भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह मास्टर जी उनके द्वारा देखा गया कि जो बेसिक एरर है वो बहुत कॉमन है कि 2/3 में बच्चा 2/5 करता है, उसको 4/10 4/8 ऐसे लिख देता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक कार्य बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर मिल रहा है समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना, अब बच्चा तो गलत कर रहा है ना, अगर उसे समान सवाल भी अभ्यास करोगे तब भी वही आंसर देगा, उसको आवश्यकता किसकी, उसको सही कराने की आवश्यकता है। अब सही कैसे कराओगे, आप कहेंगे सर एलसीएम एचसीएफ यूज करना गलत कर रहा है वो, लेकिन क्योंकि एलसीएम एचसीएफ जो आता है वो असमान भिन्नों में आता है। अगर मैं आपसे बोलूं
एक बटा दो जमा एक बटा दो, आप बोलेंगे एक, ऐसे बोलते हो ना, एक बटा दो में एक बटा दो जोड़ोगे तो एक आ जाएगा। तो इसमें एलसीएम की आवश्यकता नहीं पड़ी ना आपको, देयर इज नो नीड ऑफ एलसीएम। लेकिन जब भिन्न असमान होती है, 2/3 + 2/3 = 5, तो इसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। तो असमान भिन्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम असमान भिन्नों को पकड़ेंगे ना पहले, इसके अंदर आएगा एलसीएम। तो असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करें कि वो कैसे होते हैं, और उसके लिए चाहे तो चित्र दिखाओ और उनको बाद में उसी प्रकार के सवालों का अभ्यास करो, सॉल्यूशन भी दो और एक्सरसाइज भी दो। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट जवाब है, जिन्होंने दिया है एकदम सही है। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गणित प्रक्रिया नहीं है, इनमें से कौन सी गणित प्रक्रिया नहीं है, मानस दर्शन, घटना, आकलन या मापन, इनमें से कौन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिक प्रोसेस। बी बिल्कुल, एनसीएफ साफ साफ मना करता है कि भैया रटना बिल्कुल मना है, रटना बिल्कुल पाप है। तो एनसीएफ कहता है कॉन्सेप्चुअल समझो, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो, रटने की नहीं करनी है, रट के नहीं करना है। एनसीएफ यही कहता है और यही समझता है। तो दैट इज मानस दर्शन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, इसको विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं, इसको विजुअलाइजेशन भी बोला जाता है। ओके, आकलन असेसमेंट करना, मापन करना सही बात है, लेकिन रटना जो है वो किसी भी एंगल से, रोड लर्निंग इज नॉट द सॉल्यूशन। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता, इसका अर्थ क्या है, खाने मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है या जोड़ का ज्ञान नहीं है। ए स्टूडेंट राइट्स 550 यानी 550, इंग्लिश में गलत लिखा है सवाल, एक छात्र जो है 5050 को 550 लिख दे, वन स्टूडेंट रोट्स 5050 as 550, इसका अर्थ क्या है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है। ओ माय गॉड, 25 का भी रुद्र ने कहा है संख्याओं का ज्ञान नहीं है। ए देखो रुद्र, संख्याओं का उसे ज्ञान है क्योंकि उसने लिखा तो सही है 550, लेकिन वो इस जीरो को यूज करना भूल गया, एक 5 5 लिखा था, संख्या तो उसको पता है लेकिन उसने एक संख्या को बीच में जीरो को कहा गया। तो जब बच्चा संख्याओं को गलत लिख देता है इस तरह से, तो उसका मतलब हम मानते हैं उसको प्लेस वैल्यू की नॉलेज नहीं है कि तीन स्थान होने पर 5 का वैल्यू बदल जाएगा। ओके, तो दैट इज द राइट ऑप्शन, मान की अवधारणा उस बच्चे को स्पष्ट नहीं है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आई, दैट्स वेरी नाइस। तो भाई आज के सवालों को यहीं समाप्त करते हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।